एंड टू एंड सॉल्यूशन पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान में जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर सेक्टर भी अपना सही योगदान दे सके। अब सब वाकिफ हैं, मोटे तौर पर 70% आबादी यहाँ की कृषि और संबंधित गतिविधियों पर आधारित है। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस का जिक्र तो त्रिपाठी ने किया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। 4 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पूर्व मुख्य पैदावार मक्का गेहूं पैडी यही था जम्मू रीजन में, जो पिछले दिनों इनिशिएटिव दिए गए उसके कारण आज साइट्रस हो, बार्ली हो, एप्पल हो, वॉलनट हो, एप्रिकॉट, एक्जॉटिक वेजिटेबल, फ्लावर्स, डेयरी, बीकीपिंग, काफी किसान इस क्षेत्र में आज प्रोत्साहन के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि इस दिशा में हमने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। वैसे ही अगर कश्मीर डिवीजन के 10 जिलों की मैं बात करूं, टेम्परेचर ग्रुप क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां भी मुख्यतः पैडी, मक्का, एप्पल, वॉलनट, चेरी, प्लम, आलमंड सब यही पैदा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक्जॉटिक वेजिटेबल, डेयरी, बीकीपिंग और ऑयल सीड, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, ब्लू रिवोल्यूशन और ट्राउट फिश का प्रोडक्शन के कारण काफी बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में विकसित करने के लिए मोनोकल्चर की बजाय कंपोजिट कल्चर के तहत तालाब भी विकसित किए जा रहे हैं, युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि नए आइडिया के साथ मार्केटिंग के लिए वो कैसे काम कर सकते हैं और एक येलो रिवोल्यूशन भी कश्मीर में हुआ है। मैं बहुत 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा उसको बताकर। सामान्यतः वहाँ मस्टर्ड सरसों की पैदावार कश्मीर में होती ही नहीं थी। पिछले 2 वर्षों से इस कास्ट कश्मीर और हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मिलकर के अभियान शुरू किया। गत वर्ष जो टूरिस्ट आ रहे थे देश के विभिन्न हिस्सों से, वो देखकर के आश्चर्यचकित होते थे। कई तो जहाँ मस्टर्ड के खेत थे उसे देखने जाते। अब एक मस्टर्ड लगाने से कश्मीर के किसान को सामान्य तौर पर अगर हम विचार करें तो यही समझ में आता है कि चलिए मस्टर्ड ऑयल का प्रोडक्शन शुरू हो गया, मरी ऑयल सीड की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ हम सबको मालूम है कि फॉडर डेफिसिट हमारे पास है। HADP में हमने प्रोविजन किया है फॉडर डेफिसिट को हम कम करेंगे और 80% की जरूरत हम पूरी कर सकेंगे। HADP में ये योजना है। हम सबको मालूम है कि मस्टर्ड से ऑयल निकलता है, ऑयल केक जो बनता है वो फॉडर की तरह ही काम करता है। और तीसरी जो बड़ी उपलब्धि किसानों को भी, सरसों के लगने के कारण मधुमक्खियां 35-40 दिन पहले कश्मीर रीजन में आई, जिससे बी कीपिंग या हनी के काम करने वाले किसानों को बड़ी मात्रा में लाभ। मैं समझता हूँ कि